ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। परम प्यारे शिव बाबा ने हम बच्चों को यह 2021 वर्ष दिया है अपनी सोन्नति के लिए और जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए और अन्य आत्माओं को भी बाप का संदेश सब तक पहुंच जाए उसके लिए खास पुरुषार्थ के लिए समय दिया है। तो हम सभी इसी पुरुषार्थ में लग करके अच्छे से अच्छा अपना जीवन श्रेष्ठ बना करके बाप का नाम बाला करें, बाप समान बन करके संपन्न और संपूर्ण बने ताकि जल्दी ही हम सभी बाप दादा के कार्य को पूरा कर सकें और घर चलने के लिए वायदे भी पूरे निभा सकें। तो अभी हम प्यारे बाप दादा के जो बाबा ने जनवरी मास के लिए हम बच्चों को पुरुषार्थ के लिए कुछ ब्रह्मा बाबा के कदम जो भेजे हैं तो हम सभी वो सुनेंगे अभी। तो बाबा ने अपने जीवन में क्या क्या अपनाया है, ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा के महावाक्यों को कैसे जीवन में धारण किया है, सहज रीति कैसे जीवन को में अपनाया है, तो बाबा ने हम बच्चों के लिए भी सहज करके सामने रखा है। तो अभी हम सभी वो सुनते हैं। तो यह है ब्रह्मा बाबा के जीवन के 18 कदम। पहला है अपना सब कुछ बिल करके बिल पावर से संपन्न। अपना सब कुछ बिल करके बिल पावर से संपन्न स्पष्ट किया है ब्रह्मा बाबा ने। पहले कदम में अपना सब कुछ बिल किया, पहले अपनी कमी कमजोरियों को संपूर्ण बिल किया, फिर अपनी स्थूल सूक्ष्म संपत्ति बिल की। बाबा ने अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए पहले अपने अंदर की कमी कमजोरियों को खत्म किया और उसके बाद फिर स्थूल संपत्ति सारी यज्ञ में बिल की। कभी यह नहीं सोचा कि आगे क्या होगा, कैसे होगा। झाटकू बन सब कुछ बिल किया तो बिल पावर आ गई। बाबा ने आगे पीछे कुछ भी नहीं सोचा, बस शिव बाबा का आदेश मिला और ब्रह्मा बाबा ने तुरंत ही दृढ़ता के साथ अपना जीवन सर्व समर्पित किया संपत्ति सहित। ऐसे आप बच्चे भी फॉलो फादर करो। दूसरा कदम है अपने से भी ऊंचा बनाने की भावना। बाबा के अंदर थी कि बच्चे हमसे भी ऊंचे बने, तो कैसे हम अपने से भी ऊंचा उठाया भी और बनाया भी। जैसे ब्रह्मा बाप ने बच्चों को अपने से भी ऊंचा बनाया, हर बच्चे को हर बात में पहले आप कह रिगाड़ दिया, पहले आपका पाठ व्रति दृष्टि वाणी और कर्म में लाया, माताओं बहनों को सदा आगे रखा। ऐसे फॉलो फादर करो तो बाप समान बनेंगे। तीसरा है लौकिकता में अलौकिकता का अनुभव। जैसे ब्रह्मा बाप कोई भी कर्म करते सदा अपनी फरिश्ता स्थिति में रहे, चलते फिरते उठते बैठते बाबा जो भी यज्ञ की सेवाएं करते थे और बच्चों से करवाते थे तो अपनी स्व स्थिति का भी ध्यान रखते थे कि मैं एक चलता फिरता लाइट का फरिश्ता हूँ। लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन किया। प्यारे बाबा के लौकिक संबंधी भी यज्ञ में समर्पित हुए तो भी बाबा ने किसी तरह से ये भान नहीं आने दिया कि यह मेरे संबंधी हैं, मेरे बच्चे हैं या मेरी पत्नी है, ऐसा कुछ भी बाबा ने महसूस नहीं होने दिया। पूरा ही दृष्टि व्रति कृति से एकदम वैराग्य।
कर्म और संस्कारों में कोई भी लौकिकता नहीं दिखाई दी। साथ में रहते भी किसी को ये आभास नहीं होने दिया कि ये संबंधी हैं। सोचना, बोलना और करना तीनों को समान बनाया। बाबा इस बात पर ध्यान देते थे खास कि सोचना और बोलना और करना तीनों समान रहें, ऐसे फॉलो फादर करो। बाबा बच्चों को भी इशारा दे रहे कि बच्चे ऐसे तुम भी फॉलो फादर करो, हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिकता में परिवर्तन कर समान बनो। हर लौकिक बात को देखने, सुनने, बोलने को अलौकिकता में परिवर्तन कर समान बनो। ऐसे प्यारे बाबा हमारे थे जो कि हम बच्चों को हर बात पर ध्यान खिंचवाते रहे। चौथी पॉइंट है सबके स्नेही, सबके सहयोगी। ब्रह्मा बाप सभी रूपों से, सभी रीति से हर बच्चे के स्नेही और सहयोगी बने। हर तरह से, चाहे बच्चों के अंदर कोई कमी कमजोरी रही, चाहे कोई तकलीफ रही, किसी तरह की यज्ञ की सेवाएं रहीं, तो भी बाबा ने हर तरह से बच्चों का साथ दे करके बच्चों को आगे बढ़ाया, सहयोगी बनाया। सदा एक बाप के स्नेह में समाये रहे, एक सेकंड, एक संकल्प भी सहयोग के बिना नहीं गया। इतना बाबा ने अटेंशन रखा अपने ऊपर। ऐसे आप बच्चे भी सबके स्नेही बन, सच्चे स्नेह और सहयोग का प्रत्यक्ष प्रमाण दो। ऐसे आप बच्चे भी बाबा के सच्चे स्नेही हैं और सहयोगी हैं यज्ञ के, तो ऐसा ही बाप समान बनकर के भी आप भी प्रत्यक्ष प्रमाण दो। पांचवी पॉइंट है सदा कर्म की इच्छा से मुक्त। इच्छा मात्रम अविद्या। ब्रह्मा बाप ने कोई भी कर्म के फल की इच्छा नहीं रखी। हर वचन और कर्म में सदैव पिता की स्मृति होने के कारण फल की इच्छा का संकल्प मात्र भी नहीं रहा। निष्काम व्रति से सबकी पालना की, पुरुषार्थ के प्रारब्ध की नॉलेज होते हुए भी उसमें अटैचमेंट नहीं रही। जरा भी कि कहीं पर भी लगाओ, सूक्ष्म में भी व्रति जाने नहीं दी। ऐसे आप बच्चे भी नाम, मान, शान की इच्छा से परे, इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति में रहे सेवा करो। इसी विधि से सबकी पालना करो, तब क्षमा के ऊपर परवाने फिदा होंगे। बाबा कहते ऐसे बाप समान आप भी इच्छा मात्रम अविद्या बनो, तब आप इस विधि को जब अपना लेंगे तो क्षमा के ऊपर परवाने फिदा हो जाएंगे। छठी पॉइंट है निरंतर योगीपन के लक्षण। जैसे ब्रह्मा बाप का हर संकल्प विश्व कल्याण की सेवा अर्थ रहा, हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। हर बोल में नम्रता, निर्माणता और महानता अनुभव कराई। स्मृति स्वरूप में एक तरफ बेहद का मालिकपन, दूसरी तरफ विश्व के सेवाधारी। एक तरफ अधिकारीपन का नशा, दूसरी तरफ सर्व के प्रति सत्कारी। अधिकार भी पूरा और औरों को सत्कार भी बाबा ने पूरा पूरा दिया। सर्वात्माओं के प्रति दाता व वरदाता बन कर रहे। कैसी भी कोई भी आत्माएं आई, चाहे क्यों ना अपोजिट वाली रहीं, विघ्न डालने वाली रहीं, लेकिन बाबा ने अपनी तरफ से किसी भी आत्मा के लिए जरा भी संकल्प मात्र नहीं आने दिया। उनको और ही सत्कार दिया, सम्मान दिया और इसी आधार से वो आत्माएं भी सहयोगी बन गईं।
तो बाबा ने कहा, सर्व आत्माओं के प्रति दाता व वरदाता बनकर रहे, ठुकराने वाली आत्मा, ग्लानी करने वाली आत्मा को भी कल्याणकारी आत्मा का अनुभव कराया। कैसी भी आत्मा आई सामने तो भी बाबा ने अपने स्नेह से, अपनी दृष्टि वृत्ति की भावना से उस आत्मा के अंदर के भाव भी बदल गए और वो आत्मा झुक गए भी गई और सहयोगी बन गई। ऐसे फॉलो फादर करो हर आत्मा को अपने से भी आगे बढ़ाने की, शुभ भावना रखते हुए विश्व कल्याणकारी बनो। यही निरंतर योगीपन के लक्षण हैं। जो बाबा ने स्वयं में प्रैक्टिकल करके दिखाया, वही बाबा बच्चों को इशारा दे रहे हैं कि यही योगीपन के लक्षण हैं। सातवां है, संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाओ मुक्त। संकल्प व स्वप्न मात्र भी लगाओ मुक्त। जैसे ब्रह्मा बाप पुरानी दुनिया में रहते, किसी भी व्यक्ति व वैभव से संकल्प मात्र व स्वप्न मात्र भी लगाओ मुक्त रहे। सदा त्रिमूर्ति तत् नसीन, त्रिकालदर्शीपन के स्मृति स्वरूप, हर कर्म के तीनों कालों को जानने वाले। बाबा आगे का पीछे का वर्तमान को सब समझते हुए बाबा ने त्रिकालदर्शी स्वरूप को सामने रख करके हर कर्म को श्रेष्ठ कर्म व सुकर्मी बनाया। पुराने संस्कार और स्वभाव से उपराम रहे, पिछला छोड़ दिया छोड़ दिया, पीछे मुड़ करके नहीं देखा, न पिछला कुछ याद किया, न संस्कारों को इमर्ज होने दिया। ऐसे बाबा, प्यारे ब्रह्मा बाबा उपराम रहे, सदा साक्षीपन की सीट पर स्वयं को सेट रखा। ऐसे फॉलो फादर कर सच्चे राज ऋषि बनो। बाबा ने कहा, जैसे बाप बने ऐसे आप बच्चे भी सच्चे सच्चे राज ऋषि बनो, बाप को फॉलो करके। आत्मा है गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस। गंभीरता और रमणीकता का बैलेंस, जैसे ब्रह्मा बाप की सूरत में सदा गंभीरता के चिन्ह और मुस्कराहट देखी। गंभीरता अर्थात अंतर्मुखता, उसकी निशानी सदा सागर के तले में खोई रहे। बाबा जितने ही गंभीर थे उतना ही अंतर्मुखी रह करके ज्ञान सागर की गहराई में, ज्ञान रत्नों की गुहे में जाकर के अंदर ही अंदर आत्मा उसे भरपूर होती रही। अभी अभी मनन चिंतन करने वाला चेहरा और अभी अभी रमणीक अर्थात मुस्कराता हुआ चेहरा बाबा का ये जीवन में दिखाई देता था कि अभी अभी बाबा जैसे चिंतन में बैठे हुए हैं और खोए हुए हैं, कहीं किसी गहराई में की चिंतन में हैं। बाबा का वो रूप दिखाई देता था और उसके बाद बाबा जब बातचीत कर रहे तो बड़े रमणीक ढंग से बच्चों से हर्षित मुख चेहरा सामने लाते हुए बाबा बड़े प्यार से बच्चों से मिलते थे। तो दोनों ही लक्षण सूरत में देखे, ऐसे आपकी सूरत भी ब्रह्मा बाप की कॉपी स्वरूप हो। सूरत और सीरत से ब्रह्मा बाप दिखाई दे, ऐसे ब्रह्मा बाप की फोटो कॉपी बनो। नौवीं पॉइंट है, लवलीन स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मुहूर्त। लवलीन के स्थिति द्वारा, स्थिति के अनुभव द्वारा साक्षात्कार मुहूर्त। जैसे शुरू में घर बैठे ब्रह्मा रूप का साक्षात्कार होता था, सभी अनुभव करते थे जैसे प्रैक्टिकल में कोई बोल रहा है।
बाबा बच्चों के सामने इमर्ज हो जाता था और बाबा से ऐसा लग रहा था जैसे बाबा कुछ कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बच्चों को इशारे से समझा रहे हैं, इशारा कर रहा है। ऐसे ही अंत में निमित्त बनी हुई आत्माओं द्वारा यह अनुभव होगा। बाबा कहते जब आपकी यह स्टेज आ जाएगी तो आपके द्वारा भी अन्य आत्माओं को ऐसे ही अनुभव होगा। इसके लिए ब्रह्मा बाप समान सदा एक के प्यार में समाए हुए रहो, यह लवलीन स्थिति साक्षात्कार मूरत बना देगी। बुद्धि पर किसी भी प्रकार का बोझ ना हो, हल्के हो करके दिनचर्या बाप समान हो, तब आदि सो अंत के दृश्य को अनुभव कर सकेंगे। बाबा ने कहा दिनचर्या भी बाप के समान हो तब अंत आदि सो अंत के दृश्य का अनुभव कर सकेंगे। दसवीं पॉइंट है सर्व गुणों में मास्टर सागर। जैसे ब्रह्मा बाप सर्व गुणों में मास्टर सागर बने, सर्व शक्तियों का वर्षा प्रैक्टिकल में अनुभव किया, साथ साथ आत्मा की जो श्रेष्ठ व महान स्टेज है, संपूर्ण निर्विकारी, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपन्न, मर्यादा पुरुषोत्तम और संपूर्ण अहिंसक, इस महानता को जीवन में लाया। ऐसे आप बच्चे भी सर्व गुणों में, सर्व कलाओं में संपन्न बनो, सर्व शक्तियों को अनुभव में लाते हुए सर्व गुणों में मास्टर सागर बनो, तब वरदानी महादानी स्वरूप से सेवा कर सकेंगे। ग्यारहवीं पॉइंट है निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी। निमित्त और निर्माण चित्त की विशेषता से सच्चे सेवाधारी, ब्रह्मा बाप सदा अपने को निमित्त मात्र अनुभव करते हुए बहुत नम्र चित्त बन सच्चे सेवाधारी रहे, ये अपना नेचुरल स्वभाव बनाया। उनके हर कर्तव्य से विश्व कल्याण की भावना स्पष्ट रूप में दिखाई दी। अपने सुख के साधनों का, अपने गुणों का और अपनी प्राप्त हुई सर्वशक्तियों का अन्य आत्माओं की उन्नति अर्थ दान कर महादानी बने। बाबा के जीवन में इतना त्याग था, इतना निर्माणता थी, जो बाबा ने कोई भी सुख के साधनों को का आधार नहीं लिया और अपने शिव बाबा के द्वारा जो मिला हुआ ज्ञान खजाना, गुण और शक्तियों को औरों के प्रति सामने रखा, ऐसे महादानी बन करके हरेक के अवगुणों को गुण में बदल दिया, नुकसान को फायदे में बदल दिया, निंदा को स्तुति में बदल दिया, ऐसी दृष्टि और स्मृति को धारण कर सच्चे सेवाधारी बनो। बारहवीं पॉइंट है त्याग और भाग्य दोनों में नंबर वन। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर वन। जैसे ब्रह्मा बाप आदि में स्थापना के कार्यप्रत साकार रूप में निमित्त बने, अल्प की तार आई तो सेवार्थ सर्वस्व त्याग मूरत बने। त्याग और भाग्य दोनों में नंबर वन रहे। त्याग में भी बाबा ने देरी नहीं की, एक झटके से त्याग किया, संकल्प भी नहीं आने दिया और उसी के साथ भाग्य भी बाबा को बराबर मिलता रहा और बाबा ने कितना ऊंचा भाग्य बना लिया। अब अंत में भी बच्चों को ऊंचा उठाने के लिए व अव्यक्त बनाने के लिए अव्यक्त वतनवासी बने, तो त्याग और भाग दोनों में फॉलो फादर करते हुए
स्वयं को और सेवा को संपन्न कर बाप समान अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। बाबा कहते ऐसे आप बच्चे भी संपूर्ण त्याग कर और अपना संपूर्ण वर्षा प्राप्त करने के लिए इतना ऊंचा भागी बना लो जो आप भी अव्यक्त वतनवासी बन जाओ। 13वीं पॉइंट है, शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। शक्तिशाली मनसा द्वारा श्रेष्ठ वाइब्रेशन फैलाने की सेवा। जैसे ब्रह्मा बाप रात को जाग करके भी वाइब्रेशंस फैलाने की सेवा करते थे, इस बात में जो ओटे सो अर्जुन। कोई भी सेवा करते, रोटी बनाते, पहरा देते, शक्तिशाली स्मृति स्वरूप में रहो। बाबा कहते भले कार्य कैसा भी हो लेकिन अपनी स्टेज ऊंची बनानी है, स्मृति ऊंची बनाकर रखो ताकि उस स्वरूप में जल्दी ही अपने आप को ले आओ। मनसा से विश्व की सेवा करो। विश्व सेवाधारी एक काम नहीं डबल काम करते हैं। उन्हें एक काम में लगा दो, एक काम में नहीं, उनकी अंदर की मनसा भी बेहद की सेवा का कार्य कर रही होती है और सामने जो कार्य है वो भी कर रहे होते हैं, तो सारे विश्व की आत्माओं के लिए योगदान, मनसा का दान, श्रेष्ठ वाइब्रेशन देते हुए डबल कार्य करते हैं। स्थूल हाथ चलते रहें और मनसा से शक्तियों का दान देते रहो, गुण मुहूर्त बनकर सेवा करो तो डबल जमा हो जाएगा। बाबा कहते जब ऐसी डबल सेवा करेंगे तो आपका स्वरूप कैसा बन जाएगा, गुण मुहूर्त, और आपकी स्थिति भी डबल फरिश्ता बन जाएगी। फरिश्ता सदा उड़ता हुआ होता है, फरिश्ता नीचे नहीं, फरिश्ते के पैर जमीन में नहीं होते हैं, और अंतर आत्मा उसकी सारे विश्व की सेवाएं करते हुए वो अपने जीवन को फरिश्ता के समान डबल लाइट रखते हैं। 14वीं पॉइंट है, परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। परोपकारी के साथ साथ बाल ब्रह्मचारी। ब्रह्मा बाप सदा परोपकारी बनकर रहे, साथ साथ इस मर्जीवा जीवन में सदा आदि से अंत तक बाल ब्रह्मचारी बनकर रहे। ब्रह्मचारी जीवन अर्थात ब्रह्मा समान पवित्र जीवन। जिसको ब्रह्मचारी कहो या ब्रह्माचारी कहो, इसमें आदि से अंत तक अखंड बनो। किसी भी प्रकार की पवित्रता अर्थात स्वच्छता खंडित ना हो तब पूजनीय बनेंगे। इसे ही फॉलो फादर कहते हैं। 15वीं पॉइंट है, परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। परिवर्तन शक्ति द्वारा सदा विजयी। ब्रह्मा बाप ने परिवर्तन शक्ति द्वारा किसी के बोल और भाव को परिवर्तन किया, निंदा को स्तुति में, ग्लानी को गायन में परिवर्तन किया, अपमान को स्व अभिमान में, अपकार को उपकार में, माया के विघ्नों को बाप की लगन में मगन होने का साधन समझ परिवर्तित किया, तब सदा विजयी बने। ऐसे फालोक फादर करो। सिर्फ स्नेही आत्माओं के प्रति सहयोगी नहीं, ना उम्मीदवार को भी उम्मीदों का सितारा बना दो, तब कहेंगे कमाल। इसे कहा जाता है फालो फादर। कमाल का काम तो तब है जब जिसमें कोई उम्मीद नहीं हो उसे अपने सहयोग से उम्मीदवार बना दो, तो बाबा ने कहा इसे कहा जाता है कमाल। 16वीं पॉइंट है, सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले
सिद्धि स्वरूप भव। सदा आत्मिक स्थिति के दर्पण द्वारा स्वस्वरूप का दर्शन कराने वाले सिद्धि स्वरूप ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। ब्रह्मा बाप ने सदा आत्मिक स्थिति के शक्तिशाली दर्पण द्वारा हर आत्मा को सेकंड में स्वस्वरूप का दर्शन व साक्षात्कार कराया। इसी स्टेज को लाइट माइट हाउस की स्टेज कहते हैं। जैसे बाप लाइट माइट स्वरूप सर्वशक्तिवान है, ब्रह्मा बाप भी उनके समान बने, ऐसे आप बच्चे भी बाप समान सर्वशक्तियों से संपन्न सिद्धि स्वरूप बनो। मस्तक मणि द्वारा सबको स्वस्वरूप का दर्शन कराओ। बाबा ने कहा भ्रगुटी के बीच में चमकती हुई मणि जिसके कहते हैं मस्तक मणि, तो बाबा ने कहा ऐसा अपनी स्मृति बना के रखो जो औरों को भी उसका दर्शन हो साक्षात्कार हो। 17वीं पॉइंट है संगम की प्रारब्ध के अनुभवी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त। संगम की प्रारब्ध के अनुभवी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त। संगम युग मोहब्बत में समाने का युग है, मेहनत का युग नहीं। मिलन का युग है, क्षमा और परवाने के समाने का युग है। बच्चा सिर का ताज घर का श्रृंगार होता है, बाप का बालक सो मालिक होता है। तो सदा ऐसी श्रेष्ठ स्थिति के अनुभवी बनो। मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क सब में फुल स्टेप, कदम पर कदम रखते चलो। संगम की प्रारब्ध बाप समान संपन्न स्टेज के तख्त नसीन बनो। संपन्न स्टेज कुछ घड़ियों की नहीं, ये तो जीवन है। फरिश्ता जीवन योगी जीवन है। ऐसी मोहब्बत में समाने वाले मेहनत मुक्त जीवन के अनुभवी बनो। बाबा ने कहा कि थोड़े समय के लिए नहीं लेकिन सदा के लिए अपनी प्रारब्धि जीवन और अपनी प्राप्तियों का जीवन सामने रखते हुए ऐसे अनुभवी बनो ताकि औरों को भी अनुभव करा सको। अठारवां पॉइंट है अव्यक्त से व्यक्त में आने का अभ्यास। जैसे ब्रह्मा बाप अव्यक्त होते व्यक्त में प्रवेश हो कार्य करते हैं, वैसे आप बच्चे अपनी अव्यक्त स्थिति में रहे व्यक्त कर्मेंद्रियों से कर्म कराओ। दृष्टि वाणी कर्म संकल्प सब बाप समान हो। जैसे ब्रह्मा बाप बेहद का बाप है, ऐसे बच्चों को भी समान बनना है। जितनी समीपता उतनी समानता। अंत में आप बच्चे भी अपनी रचना के रचयिता बनकर प्रैक्टिकल में यह अनुभव करेंगे। जैसे बाप को अपनी रचना देख रचयिता के स्वरूप की स्मृति स्वतः रहती है, ऐसी स्टेज आप बच्चों की भी नंबरवार आनी है। ये थे प्यारे ब्रह्मा बाबा के 18 कदम, जिसको कहते हैं ये गीता के 18 अध्याय, जो बाबा ने अपने जीवन में बच्चों के सामने रखे। बाबा का भी यही लक्ष्य है कि बच्चे भी जल्दी बाप समान बन करके अव्यक्त वतनवासी बने। तो ऐसी हम सबको
बाप के संकल्पों को पूरा करके वतन में चलना है। ओम शांति।